बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह करके मेरा पैगाम मेरे रब चाहे। मेरी ख्वाहिश है कि तमाम इस्लामी मुल्क के से मैं नाराज़ हूँ जो हुक्मरान है। किसी भी एक मुल्क ने अपनी फ़ौज नहीं भेजी फ़लस्तीनों की मदद, यानी कि जो जायज़ मदद जो वहाँ जाके इंसान कर सकता है। तकरीबन 50 से भी ज़्यादा इस्लामिक कंट्री मुल्क हैं, एक भी पाकिस्तान फौज, यानी कि जितने भी हुक्मरान वज़ीरे आज़म वज़ीरे आला हैं, इन सबको सीटों से नीचे उतार देना चाहिए कि एक फ़ौजी भी इन्होंने फ़लस्तीन बहन भाइयों के लिए, मेरे बहन भाइयों के लिए नहीं भेजा। इलेक्शन अपनी सियासत में मसरूफ़ हैं, सीट की लालच में मसरूफ़ हैं, तो मुसलमानों के लिए क्या किया? हज़ारों कत्ल और पता कितने सैकड़ों शहीद हो चुके हैं, वल्लाहु आलम। अगर मुसलमान हैं उसमें सब जितने भी सऊदी अरब हो गया, अमेरिका, तुर्की, बातें तो बहुत की हैं, लेकिन जंग इसराइल के से जंग क्यों नहीं की? अपने क्यों नहीं फ़ौज को भेजा लड़ने के लिए? क्यों नहीं भेजा जिहाद करने के लिए? जिहाद तो लाजम हो जाता है जब एक मुसलमान कत्ल हो रहे हो, वो तो फ़र्ज़ हो गया, जिहाद तो करना चाहिए था पहले, नहीं तो अब तो अल्लाह करे इनको अल्लाह हदायत दे हुक्मरानों को। पाकिस्तान, इसमें पाकिस्तान भी है, मैं ख़ुद पाकिस्तान में रहता हूँ। तमाम जो इस्लामिक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीरे आला हैं, जो भी हैं, आर्मी चीफ हो गए, तो इसमें पाक आर्मी को भी चाहिए था अपने फौज, लेकिन उन्होंने एक फौजी तक नहीं भेजा। सामान खाने पीने का ये भी ठीक है, ज़रूरी था, लेकिन जो दूसरा सामान था वो क्यों ना भेजा उन्होंने? इसकी उन्हें शायद इससे भी ज़्यादा ज़रूरत हो, यानी कि भेजते उन्होंने उनकी सैड पर तो अमेरिका इसराइल के साथ आ गया, लेकिन मुसलमानों ने अपने मुसलमान भाइयों को बचाने के लिए अपने फौजी ना भेजे। काफरों ने काफरों की मदद करने के लिए काफरों को भेजा। अफसोस यह कि मुसलमान ने एक भी फौजी ना भेजा जो कि मुसलमानों के लिए वहाँ पर जाके उनसे लड़े ज़ालमों से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।